हेलो एवरीवन, सो गाइस एक और वैकेंसी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं डेली कोई ना कोई वैकेंसी तो आप लोग के बीच में लेके आता ही रहता हूँ इस चैनल पे। एंड सो आज का वैकेंसी यहाँ पे प्राइवेट वैकेंसी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे जो प्राइवेट जॉब भी करना पसंद करते हैं, या नहीं तो आप अपने फ्रेंड को भी आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा, बल्क हेडिंग में इसलिए लिखा हूँ कि काफी सारा पोस्ट है यहाँ पे, काफी सारा वैकेंसी यहाँ पे, और प्राइवेट के लिए बहुत सारा वैकेंसी आता ही रहता है, मेरे पास भी आता रहता है। भले हम सी नहीं कर पाते हैं, वैसे लेते नहीं आ पाते, लेकिन ये जो वैकेंसी है किस किस क्वालिफिकेशन के लिए, टेक्निकल के लिए आया यहाँ पे। ITI होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए एंड BTech होना चाहिए। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आगे हम कंपनी का नाम भी बताने वाले हैं, हर वो कुछ आप लोग के बीच डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, जॉब लोकेशन कहाँ पे लगने वाला है, तो जॉब लोकेशन आप लोग का पुणे लगने वाला है यहाँ पे। अच्छा, पुणे आपको कोई फ्रेंड वगैरह है तो वहाँ भी आप भेज सकते हैं। पुणे में कहाँ पे लगने वाला है तो वो हम आगे आपको बता देंगे एक ही करेंगे सारा कुछ। एंड सो गाइस, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, काफी कुछ हम अपडेट देते रहते हैं इसी चैनल पे। एंड सो थोड़ा आगे और भी बढ़ते हैं, काफी अच्छा मेरे पास जो भी है वो हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। ये देखिए, ये मेरे पास भेजा गया है, देख सकते हैं, वो हम आपको टेलीग्राम पे भेजेंगे। परफेक्ट, कल भी जो मैं रेलवे के बारे में डिस्कस किया था, मुजफ्फरपुर और ब्राउनी के लिए यहाँ पे डिस्कस किया था, परफेक्ट वैकेंसी था गाइस यहाँ पे। देखिए, छोटा छोटा जो वैकेंसी ना वहाँ हमेशा आता रहता है। आप देखिए, सुपरवाइजर का वैकेंसी हो या सिक्योरिटी गार्ड हो, तो वो वैकेंसी हमेशा ही रहता है। अब 12th पास मांगा गया था रेलवे में, सुपरवाइजर का वैकेंसी था, परफेक्ट वैकेंसी था, यहाँ पे चार पोस्ट था यहाँ पे। यहाँ पे हम इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं गाइस। ये जो वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं, फ्री जॉब लिखा है यहाँ पे, फ्री जॉब लिखा है यहाँ पे, एंड नीचे कंपनी का नाम लिखा है गाइस, प्रीमियर सेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी में। इनके अलावा भी काफी सारा और भी कंपनी से वो कनेक्ट है, काफी सारा वैकेंसी प्राइवेट जॉब बोला था, काफी सारा आता है ना। अगर हम लोकेशन का बात करने वाले तो गाइस पुणे में चिंच वर्ड में लगने वाला है, तो ये भी लोकेशन पूरा परफेक्ट बता दिया। और वर्किंग आवर कितना होता है, 8 घंटा। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि प्राइवेट जॉब में एक खासियत होता है कि इंजीनियर के लिए, खास करके टेक्निकल के लिए, लेबर क्लास को छोड़ के यहाँ पे 8 घंटा के बाद पड़ता है तो ओवर टाइम लगना शुरू हो जाता है, तो ये एक बेनिफिट हो जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, डिपार्टमेंट किस किस डिपार्टमेंट, इनके अलावा भी और सारा डिपार्टमेंट है, तो आप एक काम कर लीजिएगा, आप मुझे व्हाट्सअप से भी कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाएगा। डिपार्टमेंट इज प्रोडक्शन है यहाँ पे, और मशीन ऑपरेटर क्वालिटी, इसमें वैकेंसी प्लास्टिक मशीन में है, रबर मोल्डिंग में, इस करके यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब ये कहीं ना कहीं मैकेनिकल से रिलेटेड काम कर रहे हैं यहाँ पे, और ओनली मेल के लिए यहाँ पे, ठीक है, मेल के लिए। अच्छा, सैलरी कितना है, तो सैलरी 15,300, लेकिन यहाँ पे क्वालिफिकेशन दर्शाया नहीं गया है। अच्छा, यहाँ पे क्वालिफिकेशन दर्शाया नहीं है किस क्वालिफिकेशन के लिए, तो ये अप्रूवल हो जाएंगे, मेरे पास जो भेजा गया वो हम आप लोगों के बीच बता दिए। लेकिन आगे जो बताया गया ITI टर्नर फीटर जो ग्राइंडर वगैरह का, इनका सैलरी काफी अच्छा दिखा रहा है यहाँ पे, 17,300 सैलरी है, ये काफी अच्छा मुझे लग रहा है यहाँ पे। इनके अलावा बात करने वाले हैं डिप्लोमा मैकेनिकल के लिए है 19,300। अच्छा, ये इससे पहले जो वैकेंसी दिखाया गया था ना, आई थिंक ये ITI, तो ये मेरे ख्याल से 10th या 12th के लिए होगा मेरे ख्याल से। यहाँ पे बताया नहीं गया क्वालिफिकेशन क्या है, कहीं क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है, लेकिन ITI के बाद यहाँ पे 17,300 है यहाँ पे। डिप्लोमा देख सकते हैं 19,300, BTech वाले के लिए गैस 20,300 सैलरी है, तो काफी अच्छा सैलरी है। ITI के अकॉर्डिंग यहाँ पे 17,300 मस्त सैलरी है, डिप्लोमा का 19,300 मस्त है, BTech के लिए। मैकेनिकल का क्योंकि सारा पोस्टिंग मुझे मैकेनिकल का दिख रहा था, तो यहाँ पे 20,300 है। अच्छा, BSc का सैलरी है, BSc का यहाँ पे सैलरी देख सकते हैं 19,300 कुछ इनका सैलरी है, सो काफी अच्छा वैकेंसी है। और बिल्कुल गाइस यहाँ पे आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं अगर प्राइवेट जॉब में अगर जाना चाहते हैं तो यहाँ पे, और ये 100% है गाइस, ये कोई गलत जॉब नहीं है यहाँ पे, मैं इनसे 100% इनसे अप्रूवल ले चुका हूँ यहाँ पे, बाकायदा मेरे पास सारा एविडेंस वगैरह भी आ चुका है, कंपनी का भी नाम वगैरह है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल जो रेलवे में डिस्कस किया था उनका मैं टेंडर भी आप लोगों को टेलीग्राम पे भेज दिया था किसको टेंडर मिला था। आगे और भी वैकेंसी हम डिस्कस करते रहेंगे, तो मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड वगैरह को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।